नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अब पाकिस्तान के बाद चीन को भी इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक का भय सताने लगा है। चीन को आशंका है कि पूर्वी लद्दाख में जमे उसके सैनिकों पर भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत के नेताओं के बयानों ने उसकी यह चिंता बढ़ाई है। खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी की खामोशी कुछ बड़ा होने का इशारा कर रही है। मोदी ने एक बार भी चीन की हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन इसे किसी बड़े एक्शन से जोड़कर देख रहा है। दरअसल चीन द्वारा ऐसे सोचने की आशंका निराधार नहीं है। फिंगर फोर के सामने जमी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वजह से भारत बेहद आक्रामक मूड में है। भारत ने वर्चुअल मीटिंग से लेकर मिलिट्री कमांडर मीटिंग में चीन से अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति स्थापित करने को कहा है, जिसके प्रति चीन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। ऐसे में अमित शाह द्वारा दिया गया यह बयान कि भारत की एक इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता, चीन को एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। भारत द्वारा चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना इसलिए भी बढ़ रही है कि ऐसे मिशन को युद्ध की संज्ञा नहीं दी जाती है। भारतीय सेना को इस प्रकार के अभियान में महारत हासिल है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि सेना ने पहला विकल्प सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सुझाया है। इससे आमने सामने की जंग भी नहीं होगी और चीनी सेना को फिंगर पांच से भी पीछे धकेला जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि चीन ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते भारत से अपने नागरिकों को वापस निकालना शुरू कर दिया है। कल ही एक चार्टर प्लेन चीनी नागरिकों को लेकर रवाना हुआ है। भारत में लगभग 3000 चीनी नागरिक मौजूद थे। इनमें से आधे के लगभग 25 मार्च को लॉकडाउन लगने से पहले चीन जा चुके हैं। हालांकि चीन ने भारत में बढ़ते संक्रमण को इसकी वजह बताया है, मगर उसने अमेरिका से आज तक अपने सभी नागरिकों को नहीं निकाला है। यानी मामला इतना छोटा नहीं है जितना कि दिखाने की कोशिश हो रही है। कल सीडीएस बिपिन रावत और रक्षा मंत्री की बैठक के बाद इन आशंकाओं को बल मिला है कि भारत यकीनन कोई आक्रामक कार्रवाई करने के मूड में है। खासकर बिपिन रावत ऐसे जनरल हैं जिनके कार्यकाल में पाकिस्तान पर सफल सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल के अलावा अन्य विकल्पों पर भी काम कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने पैरा कमांडो को लद्दाख में तैनात कर दिया है। इससे चीन पर दबाव बढ़ाने और भारत के आक्रामक रुख का आभास भी कराया जा रहा है। यानी भारत चीन की चालबाजी को भली भांति न सिर्फ समझ रहा है बल्कि इस मामले को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। जबकि चीन की मंशा चार कदम बढ़ाकर दो कदम वापस खींचने की है। भारत हर हाल में पूर्वी यथास्थिति की मांग पर अडिग है। खास बात यह है कि चीनी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक का कोई अनुभव नहीं है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कभी इस तरह के मिशन को अंजाम नहीं दिया है। इसलिए भारत अगर इस तरह की कार्रवाई करता है तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे किसी एक्शन से चीनी सैनिकों को जान की क्षति भी हो सकती है। यही वजह है कि एलएसी पर तनाव के साथ चीनी सेना में खौफ भी पसरा हुआ है। भारत फिलहाल चीन से चल रही बातचीत से यह निष्कर्ष निकाल रहा है कि उसकी वास्तविक मंशा क्या है। भारत ने अपने पूरे पत्ते अभी तक भी नहीं खोले हैं, मगर चीन को ज्यादा मौका देने के मूड में भी नहीं है। बातचीत की आड़ में चीन एलएसी पर अपने सैनिकों को मजबूत करने में लगा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीनी नेताओं के बयानों के उलट अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। ऐसे में भारत एक तय वक्त तक चीन की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगा। अगर इस दौरान उसकी सेना वापस नहीं लौटती है तो भारतीय सेना की कार्रवाई होना तय है। इंडियन आर्मी की ओर से किसी एक्शन के डर की वजह से चीन ने रात में हेलीकॉप्टर की पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। साथ ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह से सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। चीनी सेना ने बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों की तादाद भी बढ़ा दी है। साथ ही नाइट विजन ड्रोन को भी पैरे पर लगा दिया गया है। यानी चीनी सेना को भनक लग चुकी है कि भारत केवल बातचीत के भरोसे नहीं है बल्कि वह चारों तरफ से चीन की घेराबंदी कर रहा है। यानी चीन की दादागिरी अब उसे भारी पड़ने वाली है। भारतीय सेना उसे सबक सिखाने का पूरा मन बना चुकी है। बस उसे नई दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।